ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित नरेंद्रनाथ जी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो विदेशन के ऊपर है। विदेशन का अर्थ होता है दो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करना, उनमें मन मुटाव पैदा कर देना। मित्रों, सामाजिक रूप से ये वीडियो उचित नहीं है, लेकिन दर्शकों की मांग पर और आज YouTube पर एक होड़ सी चल पड़ी है वशीकरण मंत्रों की। अंधाधुन वशीकरण मंत्र दिए जा रहे हैं। मित्रों, इनके प्रभाव से कई घर बर्बादी के शिखर तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, वशीकरण कह लीजिए या आजादी का गलत प्रयोग, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को गलत समझ रहे हैं और अपने परिवार जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कमाने के लायक किया, उनकी परवाह किए बिना गलत कदम उठाते हैं। बच्चे ही नहीं, मित्रों, कई वैवाहिक जीवन इस होड़ में बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से पति अपने बच्चों को छोड़कर पराई औरतों के चक्कर में पड़ रहे हैं और बहुत सी औरतें भी अपने बच्चे परिवार की परवाह किए बिना दूसरों के प्रति आकर्षण हो रही हैं, जिनसे लगातार हर रोज कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से हमें ऐसे फोन प्राप्त होते हैं माताओं के, भाइयों के और माता पिता के। बहुत सी बहनें अपने दुख कहती कहती रोने लग जाती हैं और बहुत से माता पिता तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें कहने के लिए शब्द नहीं मिलते और केवल वह रोकर ही अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो हमें बनाना पड़ा। मित्रों, यदि आप या आपका कोई पड़ोसी पड़ोसी या मित्र संबंधी ऐसी ही किसी विकट समस्या का शिकार हैं, तो आप इस प्रयोग को कर लाभ उठा सकते हैं। आपका परिवार बिखरने से बच सकता है और यदि आपके बच्चे गलत प्यार के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो इस प्रयोग से आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने स्वार्थ हेतु इस प्रयोग का गलत इस्तेमाल ना करें, अन्यथा हानि अवश्य ही आपको भोगनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए किसी से शत्रुतावश इसका प्रयोग हरगिज ना करें, नहीं तो ये आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। केवल कल्याण हेतु ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो भी जन कल्याण की भावना हेतु ही हमने बनाया है, तो जन कल्याण के लिए ही आप इसका प्रयोग करें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। मित्रों, ये प्रयोग आप किसी भी शुभ समय पर सिद्ध कर सकते हैं, जैसे दीपावली, विजयदशमी, ग्रहण, होली,
रात्रि 10 बजे के उपरांत आपको सरसों के तेल का दीपक लगाकर दक्षिण मुख होकर काले वस्त्र पहनकर इस मंत्र का जाप करना है और फिर गाय के उपल पर आपको 108 आहुति देनी है। उसके उपरांत इस राह को आपने जिन दो व्यक्तियों के बीच में शत्रुता करानी है उनके घर के बाहर उनके मेन गेट के सामने मेन गेट पे डाल दीजिए। इसका चमत्कार आपको थोड़े ही समय में दिखाई देगा। जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे वो एक दूसरे का मुख तक देखने से कतराएंगे। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। आप स्वार्थ हेतु कभी भी इसका प्रयोग ना करें, केवल जन कल्याण के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए ही इसका प्रयोग करें, ये हम आपसे आशा करते हैं। इसमें आपको सरसों, राई और राख, राख आपको शमशान की लेनी है। इन सबको समान मात्रा में इकट्ठा कर लें, एकत्रित कर लें, फिर अक व ढाक, अक और ढाक की लकड़ी जलाकर गाय का थोड़ा सा ऊपर डालकर सूखा हुआ, फिर 108 होती सरसों का तेल मिलाकर दें। ये काम आपको मंगलवार को करना चाहिए। अंत में होम की थोड़ी सी राख लेकर उन दोनों प्रेमियों के घर के बाहर या ऐसे स्थान पर डाल दें जहां वो बैठते उठते हों, तो इसके प्रभाव से उनमें तुरंत विदेशन हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी। इस मंत्र में विशेष बात यह है कि जहां पे अमुक शब्द या अमुकी शब्द आया है वहां पर आप को उन व्यक्तियों का नाम लेना है जिनके लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इस मंत्र की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे फिर भी हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि कभी भी इसका गलत प्रयोग ना करें। मित्रों, इस मंत्र को आपको 1000 बार पढ़ना है, अर्थात 10 माला और फिर 1 माला होम करना है। इसका चमत्कार आपको हाथों हाथ दिखाई देगा। मंत्र बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और सब्सक्राइब के साथ वाले बटन को दबाना हर कहीं ना भूलें। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको तंत्र की तथा तंत्र शास्त्र की अद्भुत साधनाएं, हमारे ऋषियों तथा साधकों द्वारा की गई अनुभूत साधनाएं इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। साधनाओं के साथ हम आपको यहाँ पर ज्योतिष, वास्तुशास्त्र तथा आयुर्वेद की भी जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप सबकी इसमें रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो जानकारी आपको मिलेगी वह ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी इंटरनेट पर और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस प्रयोग में आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह इस प्रकार से है, 12 सरसों 13 राई, पाठ की मिट्टी मसान की छाई, पढ़कर मारो कर्द तलवार, अमुक का कड़े ना देखे अमुकी का द्वार।
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा सतनाम आदेश गुरु का। मित्रों, इस मंत्र को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी नोट कर सकते हो। इस मंत्र का तब प्रयोग करें जब आपके मान या सम्मान की बात हो, आपका परिवार टूटने की कगार पर हो, जब अनेक समझाने पर भी ना समझे, तब इसका प्रयोग करें। तो मित्रों, आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो जाते जाते एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हर भी ना भूलें। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।